अंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता. तो नहीं एक मज़ा आ रहा है यार, इट फील्स गुड यार, बिकॉज क्या था, डांसिंग इज़ माई पैशन, तो आई इन्जॉय डांसिंग. और अपने तरीके की डांसिंग मेरे को करे हुए ज़माना हो गया, तो अब बड़ा मज़ा आ रहा है करने को. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद मुझसे कोरियोग्राफी होगी नहीं, तो जितना वक्त हो गया शायद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट मैंने मैनेज कर लिया. और मुझे ऐसी दिल कर रहा है कि मैं भी प्रभु देवा की तरह आगे भी अगली अगली पिक्चर में एक गाना तो करूँगा. मतलब जितनी फिल्में कर रहा हूँ उसमें अगर एक आध गाना करने मिल गया तो मज़ा आ जाए. मैंने कभी फिल्म के गाने नहीं किए थे. मैं हमेशा मैं इंग्लिश करता था, मॉडर्न जैज़ डांसिंग करता था और प्लेज़ करता था, इंग्लिश प्लेज़ करता था. मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी, वो रूप की रानी चोरंगा, जिसके टाइटल जहाँ पे नाम जा रहे थे वो मैंने किया था. वो बिल्कुल अलग ही किस्म का डांस था. तो मैंने फिल्मों के गाने कभी नहीं किए. डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो बदल चुका है. उस वक्त जो होता था अब जो होता है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बट क्या होता है कि अगर आप एक डांसर हैं तो मुश्किल नहीं होता अडेप्ट करना. और एक डांसर डांसर ही होता है. और जैसे अगर मैं जैज़ कर सकता हूँ तो मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, तो मैं मॉडर्न जैज़ भी कर लूँगा, तो मैं हिंदी डांस भी कर लूँगा. तो मुझे आप कुछ भी दिखा, मैं कर आप मुझे अगर कोई भारतनाट्यम सिखाए तो मैं वो भी कर लूँगा.